मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के हाथों भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र के 360 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। महापौर निर्मल कोसरे के संयोजन में आयोजित ये शिक्षक दिवस सम्मान समारोह भिलाई चरोदा में भीड़ के लिहाज से अब तक का बड़ा आयोजन रहा। वही सम्मानित हुए शिक्षकों ने हर्ष जताते हुए गरिमामय आयोजन के लिए महापौर को साधुवाद दिया। भिलाई 3 के मंगल भवन में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह 2023 का गरिमामय आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन के संयोजक महापौर निर्मल कोसरे रहे। कार्यक्रम में भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के 360 शिक्षक शिक्षिकाओं को श्रीफल, स्मृति चिन्ह और कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। गरिमा और भव्यता के लिहाज से ये आयोजन भिलाई चरोदा में अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक दिवस सम्मान समारोह साबित हुआ। इसके लिए सम्मानित हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं ने महापौर निर्मल कोसरे की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चैतन्य बघेल ने सभी सम्मानित शिक्षक व शिक्षिकाओं को बधाई देते हुए समाज में उनके योगदान को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक वृंद बच्चों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान कर भविष्य के लिए अच्छे नागरिक बनने की नींव रखते हैं। महापौर निर्मल कोसरे ने अपने आमंत्रण पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्मान समारोह में पहुंचे सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक परिवेश बनाने में शिक्षक शिक्षिकाओं के समर्पण और निष्ठा को भुलाया नहीं जा सकता है। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के 34 सरकारी जो स्कूल है वहाँ के 360 शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई चरोदा नगर निगम में जिम्मेदारी मिलने के बाद गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार विधायक बने तब से लेकर परंपरा पाटन में चल रही थी और गुरुजनों का सम्मान लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में किया जाता है। चूँकि मेरे वो राजनीतिक गुरु भी है और उनके आशीर्वाद से मुझे भी नगर निगम क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला है, तो मैंने सोचा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे क्षेत्र के शिक्षकों का हम सम्मान करें। उसी कड़ी में हमारे नगर निगम क्षेत्र के सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय चैतन्य बघेल जी और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और हमारे सभापति जी सुजीत बघेल जी और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज मढ़िया जी, हमारे MIC के सभी शांतिगण, हमारे पार्षदगण सब आए और मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं गुरुजनों को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आप लोग की जब भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से एक शिष्य के रूप में आपके सुख दुख में सदैव खड़े होने का मैं प्रयास करूँगा। शिक्षकों का सम्मान समारोह आज रखा गया है, इसलिए रखा गया है, उसी कोई त्यौहार पड़ गया है महिलाओं का, इसलिए हम लोग गौर रख दिए हैं। और शिक्षक दिवस का तो आप जानते हैं, गुरु बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है, इस श्लोक में ऐसा कहा गया है। और हमारे गुरुजनों का बहुत सम्मान हो और सम्मान होते रहना चाहिए। हमारे आदरणीय CM साहब अभी एक दो दिन पहले 2000 लोगों को प्रमाण पत्र बांटे हैं और गरीबों को, आपके आंगनबाड़ी को, आपके किसान को, हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किए हैं और सबके लिए अलग से धन निकाले हैं। ऐसे CM मैं चाहता हूं कि डबल हमारे छत्तीसगढ़ में आए और किसी के डराने से तो वो डरता नहीं है, ऐसा हमारा CM है। मोदी जी बहुत चाहें कि उसको ऐसा ऐसा करें लेकिन ऐसा CM हमको मिलेगा नहीं। इस देश में प्रथम CM है जिसकी प्रशंसा होती है। धन्यवाद। जय भारत। जय छत्तीसगढ़। इस आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, नगर निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी TR जगदल्ले, समाज सेवी सुरेश धिंगानी, प्रदेश कांग्रेस संयुक्त महामंत्री सुजीत बघेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया सहित MIC सदस्य विशेष रूप से शामिल रहे। वहीं आयोजन के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ भी आकर्षण का केंद्र रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।